राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल तो खोले गए हैं ताकि गांव के लोगों को निःशुल्क तथा बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सके, परंतु जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी ब्लॉक के बिगहिया गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के बाद 12 साल बाद भी नहीं खुला उसका ताला। 15 गांव के 10,000 लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में हॉस्पिटल है अपने? हाँ है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि लैटरिन भी नहीं, बाथरूम कैसे है वहाँ, एनम रहे, दरवाजा भी नहीं उसमें। अच्छा, कितना दिन भाई अस्पताल बने? अस्पताल बने अम्मा मान लो हम तो मौके पे 8 साल 1.5 साल सा है, मगर का 10 साल से 15 साल से कम न कर, मतलब आज तक होकर जांच पड़ताल कौनों सुनवाई ना है। तो आपका बच्चा जब प्राइवेट अस्पताल में पैदा हुआ तो उसमें क्या खर्च भी लगा था? हाँ, खर्चा तो आया था, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आया था। यहाँ से ले जाने में 2,000 और लग गया था, उसके बाद 6-7 हज़ार रुपया लगा था प्राइवेट अस्पताल में। तो अगर चालू हो जाए तो मान लो सबके लिए, पूरा गांव का ना, 2-4-10 गांव का सबके लिए फ़ायदा हो जाए। आप सब पूछ रहे हैं, मतलब कौन सुनवाई नहीं होते, सब सोच रहा है 2-4-10 गांव मान लो अपन गांव की चालू हो जाए, आप सबका सुविधा हो जाए, मुलुक जब एक कौन सुनवाई ना हो तो एक सुविधा कौन हो। समुदाय, मैं और मेरा समुदाय चाहता है अस्पताल का जल्द से जल्द संचालन हो। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, जनपद अम्बेडकर नगर के सीएमओ का संपर्क नंबर 94-15-33-88-61 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि अस्पताल का जल्द से जल्द संचालन हो सके। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश से, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहद के लिए।